कोयला टॉप पहुंच गए हैं। ये देखो यहाँ पहुंच के तो बहुत ही सुंदर है, सच में मजा आ गया यहाँ। ये है मोयला टॉप का सुंदर व्यू। इतनी ऊपर चढ़ाई चढ़ते वक्त कोई सोच भी नहीं सकता है कि ऊपर चोटी में जाकर इतना सुंदर नज़ारा हमें दिखेगा और ऊपर दूर वहाँ मंदिर दिखाई दे रहा है। अंक और अमन मंदिर के पास पहुँचने ही वाले हैं, मैं भी उनके पीछे पीछे जा रही हूँ। ये मंदिर में पहुँच गए हैं हम, टॉप में है ये मंदिर, ताला लगा हुआ है। लेकिन ये शिलगुरु देवता का मंदिर है, अंदर जाके दिखाती हूँ आपको। मंदिर में ताला लगा और ये लकड़ी के बने हुए हैं देवता। और इधर से ना आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ, कितना सुंदर व्यू है। ये देखिए पहाड़ियाँ, पेड़ इतने अच्छे हैं, ठंडी ठंडी हवा इनसे आती है, ये आपने देखा। और इधर ना हरियाणा के कुछ बच्चे हैं, और इधर अंकु रेस्ट कर रही है और टिंकू वीडियोग्राफी करने में लगा है। अमन उधर बैठ के व्यू का नज़ारा ले रहा है। और ये बैक साइड का व्यू है, और छोटे छोटे ना ये तालाब जैसे भी बनाए हैं, बारिश में ना इनमें पानी भरता होगा जानवरों के लिए। ये देखिए पूरा पानी भरता है इनमें, क्योंकि भेड़ बकरियां आती हैं ना, उनको पानी भी चाहिए साथ साथ में, तो तब ये छोटे छोटे तालाब जैसे बनाए हैं इन्होंने। इसके ऊपर भी एक गुफा और तालाब है, ये बच्चे जा रहे हैं वहां देखने के लिए ऊपर टॉप में। हम लोग मंदिर से ना वापस से आ रहे हैं, और अब उधर वाली पहाड़ी में हम लोग जाते हैं। ये आमन तो अभी वहीं मंदिर में ही है। ये देखिए बादल भी छाने लग गए हैं चारों तरफ। ये तो फ्रेंड्स हमें लगभग एक घंटा हो गया है ना। हाँ एक घंटा वही है, 10 बजे पहुंच गए थे, जैसे 11 बजे है। हाँ वो हमारे पीछे वो उधर मंदिर है, अमन का मन तो अभी यहाँ आने का कर ही नहीं रहा, उधर ही बैठा हुआ है। और टिंकू तो नीचे चले गया उधर उस पहाड़ी में, अब दिखाऊंगी आपको। और यहाँ से ना चारों तरफ का एक बार व्यू दिखाती हूँ। ये टॉप है मोयला का, ये देखिए। और आप इधर का, सच में बहुत सुंदर जगह है। मैं आपको ये बता रही हूँ ना, अगर आप 50+ हैं तब तो सोच कर आना भाई। ऊपर आने में बहुत हालत ख़राब हो रही है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। मैं तो बहुत रेस्ट करके आई, 8 बजे 8:15 बजे हम वहाँ से चले थे, अभी 11 बज गए हमें यहाँ। अभी तक तो हम कितनी जगह घूम लेते, ज़्यादा घूम के भी क्या फ़ायदा अगर इंजॉय ना करो तो। और इसके बाद बुग्याल चले जाएंगे, फिर वो वाटरफॉल चले जाएंगे जो है यहाँ का। हाँ तो बहुत दूर पड़ जाएगा। हाँ 2-3 जगह हम और घूमेंगे। और लेकिन यहाँ आने के बाद ना सच में बहुत अच्छा व्यू है, मजा आ गया। अगर ना आप नेचर लवर हो तो आपको जरूर आना चाहिए, और पहले प्लान कर लेना चाहिए। सच में 50+ के बाद तो आप ये वीडियो देख के इंजॉय कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, आप आ सकते हैं, पहले डीमोटिवेट मत करो लोगों को। नहीं अब मैंने जो फील किया मैं वो बता रही हूँ ना। ऊपर पहुँच के आपको मजा नहीं आया? ऊपर पहुँच के मजा आया, लेकिन अब ना कुछ पाने के लिए कुछ तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। ये तो सही है, उसी टाइम की थकान होती है वो। अब आपको लग रही थकान, बताओ? नहीं अब तो नीचे जाने में तो सिर्फ वो है ढलान है, आराम से पहुँच जाओगे नीचे। ऐसा कुछ नहीं है, 50+ है तो भी आई है। जैसे ये मुझे खींच कर लाए ना, वैसे आप भी आइए। और नहीं तो ना वीडियो देख के भी खूब इंजॉय कर सकते हैं आप। अगर आप सामने से देखो तब तो क्या ही कहे यार, सच में बहुत खूबसूरत है, मजा आ गया देखकर। अपना पानी लेके आना, पर 2 बॉटलें खत्म हो गई है। ये देखिए कुछ महान लोगों ने बांट भी दी बॉटलें, अभी एक बॉटल हमने रखी हुई है। और अभी अमन आ जाएगा तो मैं बताती हूँ आपको कि उधर, ये तो मंदिर है, यहाँ जहाँ टिंकू गया है वो देखिए पीछे, जहाँ पूरे पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं, वहाँ जाने का मन है। सच में जाऊंगी तो सही वहाँ थोड़ा। उन्होंने बोला था ना हमको गाइस, कुछ वो मिले थे हमारे जैसे टूरिस्ट, उन्होंने बोला वहाँ पे एक बहुत अच्छी खाई है, खाई देख के आते हैं फिर। हाँ जाना तो है यार, इतनी दूर आ गए, अभी तक कष्ट कर ही लिया थोड़ा, और सही वहाँ देख कर आते हैं। अमन को पहले आने देते हैं, उसके बाद हम चलते हैं वहाँ। तो फ्रेंड्स हमें ना
लगभग 1 घंटा हो गया यहाँ बैठे हुए, पूरा व्यू हमने देखा, अभी भी मन नहीं भर रहा है। ये अमन भी आ गया है अब, चलो फिर आ गया। अमन हाँ? मंदिर में बहुत देर तक बैठा रहा, क्या बात, इतना अच्छा लग रहा था। 5 समय टूरिस्टों को भगा रहा था अपनी फोटो के लिए। टूरिस्ट लोगों की सांस फूल गई है, वो चल नहीं रहा। नीचे उतरने में तो सच में मजा आ रहा है। ये है खाई, यहाँ से नीचे को बहुत बड़ी खाई है, और आगे मैं भी नहीं जा रही हूँ क्योंकि ऐसा कुछ ग्रिप है नहीं, कुछ पकड़ो पेड़ है ऐसा कुछ नहीं, एक पत्थर है। दूर से ही मैं भी देख रही हूँ, दूर से ही आपको भी दिखा देती हूँ। खाई देखकर हम वापस आ रहे हैं। ये अंकु देख, इतना बड़ा डंडा है ये अच्छी ग्रिप हो रही है इससे, भारी हो गया। हाँ थोड़ा सा भारी तो हो गया। ये दोनों मेले डंडा ढूंढ रहे हैं। ये क्या ले लिया आपने, पेड़? ये क्या ग्रिप बनाएगा पत्थरों में? ये वाला लो। अब मैंने जो डंडा ढूंढा था ना वो दिखाती हूँ, वो इतना बड़ा है, कुछ बड़ा ही हो गया। डंडा नहीं लठ बोलते हैं। अमन आ जा, चले चलो। ठीक है फिर। अब अंकु ने एक नया डंडा ढूंढ लिया मेरे लिए, वो वाला तो मैंने फेंक ही दिया, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया था। ये सही है? हाँ ये सही है। ये आपको दिखाते हैं, बहुत मोटा बड़ा पेड़ है ये, और इसके पास ही ये दूसरा वाला भी बहुत मोटा है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा फोटो शूट करते हैं। मोइला टॉप की अब लास्ट पहाड़ी है, मैं नीचे उतर रही हूँ, इसके बाद वही ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी। थकान भी हुई, मजे भी आए, सब कुछ। एक छोटी सी खाई यहाँ भी है नीचे, अभी तक ढलान में थे, अब थोड़ी सी चढ़ाई पड़ेगी, उसके बाद हमारा ट्रैकिंग स्टार्ट। खूब एंजॉय कर लिया, बच्चे अभी पीछे ही हैं, आ रहे हैं, मैं आगे हूँ, आगे आगे। ये दिख रहा है लेकिन आराम से चढ़ा जा रहा है, ऐसा लग रहा है ना चढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन चढ़ लेते हैं, आराम से चढ़ा जा रहा है। ये आगे टॉप पर, मोइला टॉप, अब यहाँ से डाउन शुरू हो जाएगा। अंकु और अमन इतने पीछे, मैं खूब मजे कर लिए, नेचर को भी खूब देख लिया, अब चलते हैं नीचे को। अब डाउन शुरू हो गया है, अब हम चल दिए नीचे की तरफ। ये देखे, वापस जाएंगे रूम में, फिर शाम को देखो कहाँ चलते हैं। खाने में भी ना यहाँ कुछ ऐसा स्पेशल मुझे लगा नहीं, जैसे टूरिस्ट प्लेस है ना, मैगी आपको मिलेगी, चाउमीन आपको मिलेगा। चाउमीन ही तो नहीं मिल रही, राणा के मामू खाना दे, कल जब हम आए ना खत्म हो गए थे, नहीं मिले, फिर हमने मैगी बनवाई थी। आज देखो जब वहाँ पहुँचेंगे, 1 घंटा तो लगी गई लगभग हमको, फिर देखते हैं वहाँ जाके क्या मिलता है खाने के लिए, फिर शाम को कहीं फिर अच्छी जगह में जाएंगे, कल सुबह तो यहाँ से निकल जाएंगे सीधे ऋषिकेश। मॉर्निंग में तो लोग नहीं दिख रहे थे, अभी यहाँ दिख रहे हैं लोग आते हुए। कुत्ता भी आ रहा है, लोग तो छोटे बच्चों को भी लेके जा रहे हैं, पता नहीं कैसे। सच में हमारा तो खुद ही चलना मुश्किल था, लोग बच्चे भी लेकर जा रहे हैं। लोगों को देख कर लग रहा है ना यार, लोग लाइफ एंजॉय बहुत करते हैं, प्रॉब्लम चाहे जितने भी हो। फ्रेंड्स, मोइला टॉप से हम नीचे उतर गए हैं, यहाँ अब मेन रोड आ गई है। मेन रोड कहो तो मतलब यहाँ तक गाड़ी आती है,
बहुत ऑफ रोडिंग है लेकिन लोग ले आते हैं, हम तो लाए नहीं। और अब पहुंच गए हम फाइनली, हमने इतना जो टफ था पार कर लिया। अभी तो लग रहा है सही किया, अच्छा किया, इतना अच्छा व्यू देखकर आए। एक टाइम पर लग रहा था कि क्यों आए होंगे, कोई नहीं, पार कर लिया वो टाइम भी। अब हम पहुंच गए हैं रोड में। लोग यहाँ तक बाइक भी लेके आते हैं और गाड़ी भी लेके आते हैं। यहाँ गाड़ी भी पार्क की है लोगों ने, वो वहाँ पेड़ों के बीच में। वहाँ नीचे भी कुछ बच्चे जा रहे हैं। और यहाँ ना बाइक पार्क की है लोगों ने। ये आगे रास्ता तो है, गाड़ियाँ भी जा रही हैं, बट लोग रास्ते रास्ते में भी गाड़ियाँ और बाइक पार्क करते जाते हैं। कुछ गाड़ी आगे बढ़ रही है, ये देखिए कुछ लोग आगे को बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग यहीं पर गाड़ी पार्क कर लेते हैं। ये देखें, जो ऑफ रोडिंग नहीं कर पाते ना, वो यहाँ गाड़ियाँ पार्क कर देते हैं। यहाँ भी पूरी गाड़ी और बाइक पार्क की हुई है, ये दिखाते हैं आपको। ये भी वापस आके यहाँ पार्क ही करेंगे। ये है एक नया पार्किंग पॉइंट। काफी लोगों को ना आगे बढ़ने की हिम्मत आती है। ये देखिए सारी यहाँ गाड़ियाँ, बाइक, स्कूटी पार्क हो रही है। ये आगे तक, और ये देखिए नीचे लोग घूम रहे हैं। यहाँ से 4 किलोमीटर आगे तक ऑफ रोडिंग आप जा सकते हैं गाड़ी में। तो गाइस, जब हम रास्ते पर जा रहे थे, हमें देखिए कितनी सारी ये बकरियाँ मिली है ना। एक ऊंची पहाड़ी से उतर के नीचे को आ रही है, अब ये दूसरी पहाड़ी में जा रही है। यहाँ ना पहाड़ों में बहुत भेड़ बकरियाँ होती हैं, ये यहाँ के लोगों का अच्छा रोज़गार है। तो देखिए कितने आराम से जा रही है। तो गाइस, जब हमने कार से निकले थे तो वहाँ पे दो रास्ते थे, एक नीचे को जा रहा था, एक ऊपर को, और कोई बोर्ड भी नहीं लगा था, तो हम गलती से नीचे वाले रास्ते में चले गए। फिर वहाँ लोकल से पूछा तो उन्होंने बोला कि मोइला टॉप वाला रास्ता दूसरा था। तो फिर हम वहाँ यहाँ से वापस आए, और वैसे भी यहाँ देखिए पूरा खाई खाई लग रहा था, टॉप जैसा तो लग नहीं रहा था। दूसरी साइड का भी व्यू देखें, यहाँ भी नीचे पहाड़ियों में बसा हुआ है गाँव। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, बस अपनी कार के पास पहुँचने ही वाले हैं। आज की ट्रैकिंग हमारी यहीं पर ख़त्म होती है, अब हम आगे अपनी कार से जाएंगे। ये है हमारी पार्किंग एरिया, यहाँ से हमने ट्रैकिंग स्टार्ट की थी, वो रही हमारी कार। अब चलते हैं हम कार में। ये देखिए फ्रेंड्स, सारा कूड़ा कूड़ा है यहाँ। यहाँ पर रेस्टोरेंट है, इसके नीचे पूरा कूड़ा लोगों ने फैलाया है। यहाँ भी एक होम स्टे है। अब आगे अपनी कार में, यहाँ से कार में चलेंगे। खाने का क्या करेंगे ऑर्डर? हाँ, वहाँ चल के देखते हैं। हम लोग अपने रूम में पहुँच गए हैं, अब थोड़ी देर खाना खाकर फिर नेक्स्ट ट्रिप की प्लानिंग करेंगे।